मेरा बच्चा कहाँ गया? आपने जो कुछ भी देखा सब सच है। 1000 रुपए के लिए मर्डर, 500 के लिए किडनैपिंग और 100 रुपए तक के लिए भी डकैती। यहाँ ऐसा करने वाले तमाम लोग मिल जाएंगे। दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर दूर 133 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ ये एरिया, इसे गाजियाबाद कहते हैं। दिल्ली के बाद यहाँ सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं यहाँ बस क्रिमिनल क्राइम करते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। माखन सिंह, माखन ये इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक दरिंदा है। लोग क्राइम को मिटाने के लिए पुलिस वाला बनते हैं, लेकिन ये क्राइम करने के लिए पुलिस वाला बना है। अब तक तुम लोगों ने रेप, मर्डर, किडनैपिंग जैसे क्राइम अपने लिए किए हैं, लेकिन आज से मेरे लिए करोगे। जितना क्राइम बढ़ेगा उतना हम भी बढ़ेंगे। क्या देख रहा है बे? मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, क्रिमिनल हूँ मैं, लीगल गुंडा हूँ मैं। ये है माखन सिंह का भाई त्रिलोक सिंह। ये अपने भाई का लाडला है, लोगों की जान लेना इसका शौक है। हैप्पी बर्थडे भैया। दिस इज माय बर्थडे गिफ्ट टू माय ब्रदर। हैप्पी बर्थडे भैया। शाबाश। Cheers! भैया देखो क्या छपा है। गाजियाबाद में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कोई आने वाला है भैया। आने दो उसे यहां। मालिक, मालिक, उन्होंने हमारी फैक्ट्री को ताला लगा दिया। ये तो क्या बक रहा है सुबह सुबह। हाँ मालिक, उन्होंने सारा काम बंद करवा के वहाँ ताला लगा दिया। आखिर वो चाहते क्या है? हमने लोन नहीं चुकाया और नोटिस का जवाब नहीं दिया, इसलिए। अब किसी को जवाब नहीं देते हैं हम। कड़ियम ब्रदर्स हैं, किसी के सामने झुकते नहीं है, समझे? किसी के सामने नहीं। जब हमारा लोन चुकाने का मन करेगा चुका देंगे। इतने बड़े बड़े लोग देश के बाहर देश का पैसा खाकर चौड़े होकर घूम रहे हैं, उनसे तो कोई नहीं मांग रहा, ना ही उनका कुछ उखाड़ पाए। अच्छा एक बात बता रहे, इन बैंक वालों में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? उनके असिस्टेंट मैनेजर है ना कार्तिक। मालिक मैंने सुना है कि उन्होंने ये सब करवाया है। देखो बॉडी में विटामिन की कमी हो तो उसे दूर करने के लिए गोली खा सकते हैं, लेकिन इज्जत एक बार चली गई तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। देसी घी में पका हुआ चावल अचार के साथ खाने जा रहा हूँ। मैं खाना खत्म करके फौरन फैक्ट्री आऊंगा, तब तक सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। इस पूरे मामले को सलटा दो, उसे मारो या जिंदा रखो मैं नहीं जानता। ए, चलो रे। खाना थोड़ा तीखा बन गया है,
हल्का होते वक्त पता चलेगा। मालिक। क्या हुआ मालिक? बोल्ला भाई का फोन आया है। पूछ रहे हैं कार्ड दूं या कैश करूं। कहना क्या चाहता है वो? लगता है बैंक वालों ने उनकी बैंड बजा दी, उसकी वजह से सबके सब हॉस्पिटल में है। मालिक पूछ रहे हैं कि हॉस्पिटल का बिल कैसे दें। इंश्योरेंस, उसको बोल अपना इंश्योरेंस करवाए। निकम्मे, कुछ काम के नहीं है। ए, गाड़ी निकाल रे, सबका हिसाब चुकता करता हूं। नमस्ते कड़ियम साहब। ए सीता, तेरा असिस्टेंट मैनेजर कहाँ है? 5 बजे के बाद साहब यहाँ नहीं रुकते, बैंक का काम खत्म होते हुए यहाँ से चले जाते हैं। इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? बैंक मैनेजर कार्तिक कहाँ है रे? चश्मा पहनकर भी तुम्हें दिखता नहीं है क्या? उसकी हाइट पूरी 6 फुट है, वजन है 75 किलो। दिखने में किसी हीरो से कम नहीं है वो, तुम्हें दिखा नहीं क्या? नहीं देखा है अब तक? सामने तो खड़ा है, देख लो। ए कार्तिक! ऐसे मुझे बस दो ही लोग बुला सकते हैं, या तो ये कोई घर वाला होगा या कोई मेरा पुराना दोस्त। इनके अलावा कोई मुझे ऐसे बुलाए तो समझो उसका आखिरी वक्त आ गया। हीरो बन रहा क्या? जान प्यारी नहीं है तुझे? आज का एक कल दो हो जाता है, आज की खबर कल पुरानी हो जाती है। मामला क्या है? लोन के बारे में बात करनी है तो कल बैंक आ जाना, अगर कुछ पर्सनल है तो सामने आकर बात करो। ओ, तेरी तो लगता है ये मिठाई बहुत खाता है, बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है। वो क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। मेरा शुगर लेवल टेस्ट कराया, 300 आया। डॉक्टर ने कहा कि इससे ज्यादा बढ़ गया तो खतरनाक है। अब तुम लोग बस सीना तान कर यूं खड़े ही रहोगे क्या? जाओ और जाकर उसकी सारी चर्बी ढीली करके आओ, उसके बाद मुझे उसके साथ एक स्माइल करते हुए सेल्फी भी तो लेनी है। जाओ रे! नेहा कंटिन्यू। एक बार मैदान में उतरने के बाद पूरा फोकस खेल पर ही होना चाहिए। इनका गेम बजाने तक तुम्हारा गेम भी हो जाना चाहिए। सबकी धुलाई कर रहा और तुम लोग खड़े खड़े देख रहे हो, जाओ। ये मार रहा है या कबड्डी खेल रहा है? छोड़ना मत इसे। गांव के बाहर 1 एकड़ में फैला हुआ अनार का बहुत बड़ा बगीचा है मेरा, इसे जो मारेगा वो उसके नाम कर दूंगा। स्नेहा, टेक योर पोजीशन, कम ऑन। अरे डॉक्टर ने कहा दूध पीने से ताकत बढ़ेगी, इसलिए मैंने तुम सबको दूध पिलाया, फिर भी सब मार खा कर आ गए। चलो किसी काम के नहीं सबके सब। ए सुन, कसम खाता हूँ देवों के देव महादेव शंकर की, अगर फिर बिना लोन चुकाए मेरे पास वापस आए तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। 1 हफ्ता देता हूँ, लोन नहीं चुकाया तो फैक्ट्री बेच के पैसा वसूल लूंगा। देखा स्नेहा, नो मैटर वॉट, इज्जत बस जीतने वालों की होती है। खेलते वक्त सब बराबर होते हैं, पर जीत तुम्हें बड़ा बनाती है। सबको तुमसे बहुत उम्मीद है, तुम सबको हमारे
इस गांव का नाम रोशन करना है। देखो सूर्य अंधेरे चीर के ये आज फिर से है उगा, आज फिर से कुछ कर दिखाने का जज्बा दिल में है जगा। हौले हौले अपनी मंजिल की तरफ फिर से कोई चला, रास्ता है चाहे कितना ऊंचा नीचा ये फिर भी दौड़ चला। तू रे दौड़ तू, तू रेस ये जीत ले तू, हिम्मत न हार तू, मुश्किलों में भी दिल में रख तू हौसला, लगा छलांग ऊंची आकाश में तू तारों को तोड़ ला। खेल रे खेल रे खेल रे खेल रे कबड्डी 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 सीटी कदम तू चाहे रास्ते में आए कितनी बाधा, चलो लक्ष्य पाने का कर मन में अपने पक्का इरादा, जो चलेगा तो मिलेगा ठिकाना, जीत लेगा एक दिन तू जमाना, करके वो दिखा दे तू जरा कबड़ी 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 सीटी मार। बहुत धूल है, आंखें बंद कर लो। चश्मा मुझे दो ना। आ गए भाई बहन। माँ। हेलो दीदी। हाय स्नेहा। नमस्ते अंकल। इंदु ये तुम्हारे लिए। माँ पल्लवी को दो। कोई दाव जो विरोधियों को है हरा देता, जगा दिल में जोश ऐसा हारी बाजी को जो जिता देता, वो न होता है विजय जो न हारे, तेरे साथी है तेरे सहारे, कर दे ऊंचा नाम अपना कबड़ी 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 सीटी पंकजा सुशीला सुभद्रा सुरमिता मेरे भाऊ टीवी पे आने वाली है, सब लोग जल्दी आओ, आ जाओ। भारत समाचार में आपका स्वागत है। 7 बजे आकृति के साथ एक नजर सुर्खियों पर डालते हैं। लोग हापुस से ज्यादा लंगड़ा आम पसंद कर रहे हैं। रामपुर की लड़कियों ने कबड्डी खेल में स्टेट लेवल टूर्नामेंट में जीत हासिल कर लिया है। कितना अच्छा बोल रही है ना। उनके कोच कार्तिक ने उन्हें कबड्डी में नेशनल लेवल के लिए तैयार करने के लिए वादा किया है। इसको तो मुझसे भी पहले पता चल जाता है। ये मेरी बहू के रूप में कितनी अच्छी लगेगी, है ना? हाँ, जितनी अच्छी तुमने चाय बनाई। Yeah.
बीपी कंट्रोल में है। ये तो अच्छा है कि आप योगा करते हैं मालिक, बीपी नॉर्मल है, अब दवाई की कोई जरूरत नहीं है। पापा, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मेरी गुड़िया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। नमस्ते अंकल जी। आपकी बेटी तो बहुत ही संस्कारी बच्ची है। विधायक जी, तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। मैंने तो साफ कह दिया, तुमसे पूछ कर ही बताऊंगा। अब ये फोटो देखो और बताओ लड़का पसंद है या नहीं। पापा, आप अगर कोई फैसला लेते हो और मैं उसके लिए ना कहूँ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना। ऐसी बेटियां तो बहुत नसीब वालों को मिलती है। ये आपका ही नहीं पूरे गांव का नसीब है। हाँ बिल्कुल सही कहा। मालिक, आपने लोन नहीं चुकाया ना, इसलिए वो कार्तिक फैक्ट्री को नीलाम करने वाला है। वो कबड्डी खेलने वाला आपके साथ गेम खेल रहा है ना। वाह, उसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। नहीं बेटा, तुम इसमें मत पड़ो। पापा, आपको मुझ पर भरोसा है या नहीं बताइए। बहू के आने से पहले देखना, मैं ये सारा सामान बदल दूंगी। हाँ। अरे बाप रे, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपकी बहू घर आने के लिए तैयार है। तुम कौन हो? मेरा दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? ये मेरा भी घर है सासू माँ। सासू माँ? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। तुम क्या लोगी बोलो? आपसे एक मदद चाहिए सासू माँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? बस आप ही कर सकती हैं, कल मुझे देखने आ रहे हैं। क्या कह रही हो? नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए, बस हमें उन्हें रोकना होगा। क्या कार्तिक को कहें? वो सुनेगा तो उल्टा खुश हो जाएगा, इसलिए तो आपके पास आई हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? होने वाली बहू के लिए इतना भी नहीं कर सकती आप, प्लीज। मैं अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अपनी गैंग की मदद से कुछ कर सकती हूँ। हेलो, मैं मास्टर रमेश बोल रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके स्कूल पहुँचो। तुरंत आता हूँ। ये दीवार, ये कमरे, ये मैदान, अब ये जल्द ही उजड़ने वाले हैं। रामकृष्ण मेमोरियल स्कूल एक याद की तरह बने रहना चाहिए। हम कुछ तो कर सकते हैं सर। हमने बहुत प्रयास किया इसके लिए, लेकिन हमारी पहुंच ऊपर तक नहीं है। सरकार ने भी फंड देना बंद कर दिया है, परीक्षा के बाद स्कूल बंद हो जाएगा। लेकिन क्यों सर? आधुनिकता संस्कृति को खा रही है, कॉर्पोरेट वाले सब हड़पना चाहते हैं। अकेले हमारे राज्य में ही 7,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं बेटा, और अब हमारे स्कूल का नंबर है। हम ये नहीं होने देंगे। हाँ सर, आपने यहाँ पढ़ाई की, मास्टर जी ने भी, और हमने भी, और हमारे बच्चे भी यही पढ़ेंगे सर। ये जोश में नहीं बोल रहे हैं सर, जो जो बच्चा इस स्कूल में पढ़ना चाहता है सबकी यही सोच है। आप तो जानते हैं सर, 3 साल मैंने मेहनत करके आज ये टीम बनाई है। नेशनल गेम होने वाले हैं, अगर हम जीते तो पूरे देश में नाम होगा, तब सब हमारी प्रॉब्लम सुनेंगे, तब सरकार क्या पूरा देश हमारी मदद करने के लिए आगे आएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। आज रक्षाबंधन है, मैंने उसकी पसंद की मिठाई बनाई थी लेकिन उसने खाई नहीं, तुम बोलोगी तो खाएगा। स्पोर्ट्स कोटा से उसे नौकरी मिल गई है, मैंने एक खूबसूरत लड़की भी देख ली है, अगर इसकी शादी हो गई तो अपनी बहन को भी मिस नहीं करेगा जो दूर रहती है। तुम बात करो ना उससे। ठीक है, मैं उसे फोन दे दूं। लो अपनी बहन से बात करो। क्या हुआ कार्तिक, राखी वाले दिन भी इतने उदास क्यों हो? तुम आओगी तो खुश हो जाऊंगा। मैंने बताया था ना, PMO में तुम्हारे जीजा जी का इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं नहीं आ पाई। समझने की कोशिश करो। ऐसा पहली बार हुआ है कि रक्षाबंधन के दिन तुमने मुझे राखी नहीं बांधी। याद है जब मैं हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था, रक्षाबंधन के दिन बहुत बारिश हो रही थी, तुम फिर भी मुझे राखी बांधने आई थी। उम्मीद है अगली बार जरूर आओगी मेरे हाथ में राखी बांधने के लिए।
ऐसा रक्षाबंधन दोबारा ना हो। रखता हूं। इस टाइम कौन आ गया? चल उठा ये सब। आ उठाता हूं, तू देख कौन है। हाँ? तुम सब इस वक्त यहाँ? तेरी एक बहन नहीं आ पाई तो इतनी बहनें आ गई। हम अंदर आ जाएं? चलो। मैदान में आप हमारे कोच हैं, लेकिन यहाँ भाई। तुम सबने जो ये खुशी दी, इसके बदले में क्या दूं? हमारा स्कूल बचा लो। रुको, मैं अभी आता हूं। सर अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं ना? इसकी बहन उससे भी ज्यादा प्यार करती है। वो फोटो देखो, दीदी भी कबड्डी खेलती थी। उसके पापा ने उसे कबड्डी सिखाया और उसने अपने भाई को। गांव में सब सोचते हैं कि कार्तिक लड़कियों को क्यों कबड्डी सिखाता है। वो नहीं जानते कि वो तुम लोगों में अपनी बहन को देखता है। स्नेहा, हाँ? नेशनल कॉम्पिटिशन में खेलने के लिए तुम सबके लिए नी पैड लाया हूँ। तुम लोग जरूर वहाँ तक पहुँचोगे। ये लो। थैंक्स भैया। चलो तुम सबको छोड़ देता। नहीं ठीक है, हम चले जाएंगे। 11 बज रहा है, काफी रात हो गई है। अरे पर हम अपने ही गांव में क्यों डरेंगे। ठीक है, घर पहुंचकर कॉल कर देना। ओके भैया। फोन नंबर है ना? नेटवर्क इश्यू था इसलिए मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया है। याद है, आपको नंबर बोलूं? बोलो। सेवन नाइन एट वन जीरो फोर सिक्स फाइव थ्री टू। ये नंबर किसने दिया तुम्हें? इन्होंने। बाय। ओके बाय। जाकर नी पैड चेक करेंगे। सर ऐसे ही ट्रेन करेंगे तो हम नेशनल में जरूर पहुंचेंगे। अरे प्रसाद, मुझे पता नहीं था कि रात में इतनी सुंदर लड़कियां भी बाहर निकलती हैं। इन्होंने तो पार्टी का मजा दुगना कर दिया। इन्हें छोटे छोटे कपड़े पहनकर खेलते वक्त मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। स्नेहा, ये आवाज कैसी? कुछ नहीं भैया। इस लड़की को देख के मुझे दारू से ज्यादा नशा चढ़ रहा है। हाँ। अबे हट, ये दारू नहीं, ये तो एकदम गुलाब जल की तरह है। ये कार्तिक भी बहुत लकी आदमी है, दिन में तो इनको सिखाता ही है, रात में कबड्डी के बारे मजे लेता है। सर के बारे में कुछ मत बोलना। क्या बात है, सर की बड़ी चिंता हो रही है। क्या हुआ फातिमा? अब कुछ नहीं हुआ भैया। हमारे साथ भी कबड्डी खेलना पड़ेगा। अरे पहले मैं जाऊंगा। कबड्डी 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 कबड्डी। तेरी तो कबड्डी 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 कबड्डी। भैया कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। ठीक है, हर जाओ।
भाई तुम उन गुंडे लोगों को जाकर क्यों नहीं मारे? मैं जाकर उन्हें बचा सकता था, लेकिन अब उनमें वो हिम्मत है। लड़कियों को बाहर जाने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं होती, उनमें हिम्मत होनी चाहिए। आपकी बेटी संस्कारी होने के साथ साथ बड़ी ही सुंदर है। हमें तो दहेज नहीं चाहिए, बस दो जोड़ी में आप अपनी बेटी को विदा कर दीजिए। समय निकल रहा है, शगुन का लेन देन कर लीजिए। हाँ क्यों नहीं पंडित जी, मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा लड़का मिला है, अब मेरा बीपी शुगर सब एकदम नॉर्मल हो जाएगा और मैं फिर से सुकून की जिंदगी जीऊंगा। नमस्कार। आप लोग कौन हैं? ये लोग कौन हैं? लड़के वाले हैं। हम ये शादी रोकने आए हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम होती कौन हो ये शादी रोकने वाली? चिल ब्रो, आज से पहले तुमने बस सिर्फ दोस्त को या लवर को ही शादी रुकवाते हुए देखा होगा, लेकिन आज पहली बार लड़की की होने वाली सास शादी रुकवाने आई है। देख क्या रहे हो तुम लोग, सब बाहर निकालो इन्हें। डोंट टेक स्ट्रेस ब्रो, हम साड़ी पहनकर आए हैं, मेकअप करके आए हैं, हमने चूड़ियां पहनी हुई है, तो आप लोगों को लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने बाहर अपनी गाड़ियों में तलवारें रखी हैं। यू नो समथिंग ब्रो, तुम्हें तुम्हारी बहू से ज्यादा उसके होने वाली सास की चिंता करनी चाहिए। अगर आकृति तुम्हारे घर की बहू बनती है तो सुबह सबसे पहले कौन उठेगी? ऑफ कोर्स वो। कॉफी तुम बनाओगी या वो? वो ही बनाएगी ना। डिशुम डिशुम, अगर घर में कभी झगड़ा हुआ तो सॉरी तुम बोलोगी या वो? ऑब्वियसली वो। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर, उन्हें बहू नहीं चाहिए, नौकरानी चाहिए। अगर मेरी बहू बनी तो सुबह जल्दी मैं उठूंगी, कॉफी मैं बनाऊंगी, झगड़ा हुआ तो सॉरी मैं बोलूंगी, इसको बस मेरे बेटे का ध्यान रखना होगा। पापा सुनो ना। रुको बेटी, अरे ये सब क्या हो रहा है, इन्हें भगाओ वरना हम लोग चले जाएंगे। ये पहलवानों को खिलाया पिलाया पर कुछ काम के नहीं, लगता है इन्हें धक्के मार कर यहाँ से मुझे ही बाहर निकालना पड़ेगा। जाओ। गुरुवार को जबरदस्त, शुक्रवार को एक्स्ट्रा जबरदस्त, टीवी पर सास बहू का ड्रामा देखते हैं, पर अब हमें एक्शन मूवी देखने का शौक चढ़ा है। You know what I mean to say? सास बहु वाला सीरियल देखने वाली तुम लोग क्या बिगाड़ लोगी मेरा? हाँ? Hey, फिर दोबारा ऐसी धमकी मत देना, हम अपने पे आ गए तो हिल जाओगे। इसके लिए जितने भी लड़के देखोगे हम यहाँ आकर शादी तोड़ देंगे, इससे तो अच्छा होगा तुम अपनी बेटी के लिए लड़के देखना बंद कर दो। चाहे लड़का हमारे गांव का हो, किसी दूसरे गांव का हो या किसी दूसरे देश का, सबका यही हाल होगा, यही सीन दोबारा रिपीट होगा। हाँ। Let's go girls। देखिए बहुत हो गया, हमें अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं करवानी, चलो यहाँ से। सुनिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? सुनिए पापा, इसका मतलब अब ये शादी नहीं होगी ना पापा, अब हम कुछ नहीं कर सकते ना पापा। कार्तिक ने अपनी फैक्ट्री बंद करवा दी और अब उसने ये शादी भी तोड़वा दी पापा, तो क्या मुझे उसी से शादी करनी पड़ेगी? बेटी बेटी तुम नहीं समझोगी, नहीं समझोगी, जाने दो, इसे अंदर ले जाओ। हाँ बेटा चलो अंदर। सत्या ला जल्दी से बीपी मशीन, ला जल्दी। आठों के आठों प्लेयर्स एक ही गांव से है, आपको रूल्स नहीं पता? वो अच्छा खेलती है सर। एसोसिएशन इसे पास नहीं करेगा। सर भारत में टोटल 32 राज्य हैं, अपने राज्य के कितने खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो पाते हैं? महाराष्ट्र से 1983 में 8 प्लेयर सेलेक्ट हुए थे, 1953 में कबड्डी टीम के लिए ज्यादातर खिलाड़ी पंजाब से चुने गए थे। रूल के हिसाब से चलेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा सर, बस आप लड़कियों को एक बार एक मौका दीजिए, नाम रोशन कर देंगी। आप उनको लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। वो कप जीतने के लिए नहीं खेल रही हैं सर, बल्कि अपने विद्यालय को बचाने के लिए खेल रही हैं। ये देखिए सर, मेरे दादाजी ने अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर इस स्कूल को बनाया था, लेकिन अब पैसों के लालच में इसे तोड़ा जा रहा है।
मैं सरकार को चिट्ठी लिख लिख कर थक गया हूं सर। अब बस यही एक रास्ता बचा है। कार्तिक तुम अच्छा काम कर रहे हो, मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। मैं बोर्ड से बात करके मंजूरी दिलवा दूंगा। थैंक यू सर। कल्पना भट्ट और वैशाली दुबे ये अच्छे प्लेयर्स है, अगर ये दोनों भी टीम में होंगे तो जरूर बोर्ड आसानी से मान जाएगा। सर वो दूसरे राज्य की हैं। हमारा बजट बहुत छोटा होता है। चलेगा सर, मैनेज कर लेंगे। सच में? हाँ। ग्रेट, गुड लक। थैंक यू सर। क्या सच में वो मान गए? हाँ स्नेहा, 2021 नेशनल कबड्डी कॉम्पिटिशन में हम जा रहे हैं, तो कल सुबह 5 बजे से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। ओके भैया। नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट में रामपुर की लड़कियों का चयन हो गया है। सारी लड़कियां रामकृष्णा मेमोरियल स्कूल की हैं। उनके कोच कार्तिक ने उनके फ्यूचर के लिए अपना फ्यूचर त्याग दिया, जॉब से भी रिजाइन कर दिया। लगता है आपकी बेटी तो आपको उल्लू बना रही है। पापा 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 कहकर बेवकूफ बनाया उसने मुझे। मेरी बेटी से ज्यादा वफादार तो तू है मालिक। तेरे जैसा वफादार तो खोजने पर भी नहीं मिलेगा। तो आप क्या इसे माफ कर देंगे? माफ कर देंगे मालिक? आपकी बेटी ने धोखा दिया है। इतनी सीधी सादी दिखने वाली लड़की ऐसा कर सकती है तो मेरे जैसा इंसान क्या क्या कर सकता है, सोचो। कोई अभी तक आया क्यों नहीं? रुक, कॉल करके चेक करता हूं। कॉल नहीं उठा रही है। ए, सीता, ये सब क्या चल रहा है? सरस्वती, पायल, क्या है ये सब? ये लोग कबड्डी खेलने जाती हैं इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ। अगर उन लड़कों ने कोई ऊंच नीच कर दी होती तो क्या हाल होता सोचा है? लड़के बैट की तरह होते हैं और लड़कियां बॉल की तरह। बैट बॉल को लगे या बॉल बैट को लगे, बॉल ही जाएगी उड़कर बाउंड्री लाइन से बाहर। हमने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने कुछ बोला? जरूर बोलेंगे। इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमोगी तो हर कोई कुछ न कुछ जरूर बोलेगा। हाँ? ये गांव है, गांव। यहाँ पर कपड़ों की लंबाई के हिसाब से इज्जत नापी जाती है। हमने सोचा ये खेलेंगी तो इनका भविष्य बन जाएगा। गलत सोचा तुमने। हाँ? कबड्डी कबड्डी खेलेगी तो तुम्हें क्या लगता है आने वाले दिनों में ये सानिया मिर्जा बन जाएगी क्या? दर्जी की बेटी है, इसका कोई भविष्य नहीं है। क्या हुआ सीताराम? और तुम लोग प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं आए? कार्तिक बाबू, आज से इन्होंने कबड्डी को पूरी तरह से अलविदा कह दिया है। आज के बाद ये प्रैक्टिस पर नहीं जाएंगी। ये क्या कर रहे हो? कल के दिन ये नेशनल चैंपियन बन सकती है। क्या करेगी चैंपियन बनके? घर में रहकर रोटी कपड़ा कर ले, यही बहुत बड़ी बात होगी। हमें नहीं चाहिए कोई मेडल वेडल, मेरी बेटी बस परिवार संभाल ले, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए बाबू। खाना बनाना, कपड़े धोना, क्या लड़कियों का यही सब काम है? वो कुछ और नहीं कर सकती क्या? अगर खाना बनाना आएगा तो कोई शादी भी कर लेगा, लेकिन अगर कबड्डी खेलेंगी तो घर का काम सीखेंगी नहीं, तो फिर कौन करेगा ऐसी लड़कियों से शादी? पर आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप इसे एक मैच के लिए शहर लेकर गए थे ना, तब वहाँ इसे मेरे एक दोस्त ने देख लिया था जिसके लड़के के साथ इसकी शादी की बात चल रही थी। उसने शादी से साफ मना कर दिया और बोला कि अपनी बेटी को मेलों में नचाओ। कपड़ों से किसी की पहचान नहीं बनती, उसकी सोच से बनती है, और यही बदलाव मैं लाना चाहता हूँ। हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहने दीजिए। कबड्डी खेल लेने से इन लड़कियों का कुछ नहीं होगा, हमारी बेटियों को पढ़ने दीजिए बस। सिर्फ पढ़ने से ही कुछ नहीं होता, स्कूल में तो हजारों बच्चे पढ़ते हैं लेकिन टॉपर बस एक ही होता है। बाकियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कुछ नहीं कर सकते, बस वो अपनी ताकत को पहचान ले, फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर साइना नेहवाल के पिता ऐसा ही सोचते तो इंडिया में आज उसके जैसी खिलाड़ी नहीं होती। अगर एक बाप अपने बेटे के 10वीं फेल होने से दुखी हो जाता तो हमारे पास सचिन तेंदुलकर नहीं होता। अगर इन्हें आगे चलकर कुछ बनाना है तो आप लोगों के सहारे की जरूरत है। ये आगे चलकर क्या कर सकती हैं ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। बस इनका मन बहलाने के लिए ये सब बोल रहा है ये। इन्हें बहला फुसला कर ये अपने बाप का बनाया हुआ स्कूल बचाना चाहता है, ये मास्टर प्लान है। ये बिल्कुल सच है, लेकिन मेरे पापा ने ये स्कूल सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं बनवाया, ये स्कूल उन्होंने इस गांव के सारे बच्चों के लिए बनवाया था ताकि सभी बच्चों को शिक्षा मिले। आप लोग तो केवल 18 साल की उम्र में ही अपनी बेटियों की शादी करवा देते हैं,
फिर 20 साल की उम्र में वो माँ बन जाती हैं और उनकी लाइफ वहीं खत्म। क्या उनकी जिंदगी का यही मकसद है, जिंदगी भर चूल्हा चौका करना? उन्हें हक नहीं कि वो जिंदगी में कुछ करें? एक आदमी लगभग 60 साल तक जीता है, लड़कियां भी उतना ही जीती हैं, लेकिन यहां तो 20 में ही मर जाती हैं। क्या इनकी जिंदगी भी इतनी छोटी है? नेशनल टूर्नामेंट में जीतने के बाद ये स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी करेंगे, फिर ये मनचाही जिंदगी जी सकती हैं। इनका रास्ता रोकने के लिए कई लोग बीच में टांग अड़ाने आएंगे। फैसला तुमको करना है, जीतना है या हार कर पीछे हटना है। इसके बहकावे में आ गए क्या? ये तुम्हें बेवकूफ बनाते जा रहा है और तुम सब इसकी बातें सुनकर बेवकूफ बनते जा रहे हो। इसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मत मरवा लेना। बड़े बड़े शहरों में लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो इस छोटे से गांव में कैसे रहेंगी? घर में बंद करके रखो इन्हें। तुमने मुझे राखी बांधी है, कोच नहीं बल्कि भाई की हैसियत से बोल रहा हूं। तुम सबकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, सोचना जरूर। हो गया ना? तुम लोग भले ही इसकी बातों में आ जाओ, मैं नहीं भेजने वाला अपनी बेटी को। चलो चल, चलो बेटी, चल चलो, चल चल, चलो बेटी। गेम ओवर। ये मेरी फैक्ट्री को ताला लगवाने जितना या लड़कियों से लड़कों को पिटवाने जितना इजी नहीं है। इन्हें दिल्ली कैसे ले जाओगे? तुम इनके सामने गिड़गिड़ाओगे तो भी ये अपनी लड़कियों को कबड्डी खेलने नहीं भेजेंगे। इसलिए कप जीतने का सपना छोड़ दो। चलो रे। उस वक्त हम कड़ियम की बातें सुनकर बुरी तरह डर गए थे, लेकिन आपकी बातों से फिर हमें थोड़ी हिम्मत मिली। हमारी बेटियां इसलिए खेलने जाती थी क्योंकि उन्हें आप पर विश्वास था। ये आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना सर, और कोई भी हालत में हम ये विश्वास नहीं तोड़ना चाहते हैं। मैं 50 साल की हूँ लेकिन 20 की उम्र में ही मर चुकी थी, लेकिन अपनी बेटी को नहीं मरने दूंगी। ले जाइए इसे और इसका भविष्य बनाकर ही इसे वापस लेकर आइएगा। अंदर जाके देख, चल। हाँ ठीक है भाई। ए, चलो चलो जल्दी चलो।
त्रिलोक भाग गया। गाजियाबाद में हुई मुठभेड़ में 2 पुलिस वाले घायल हुए हैं और जानकारी आनी बाकी है। गाजियाबाद के ACP IAS अरविंद, तुम ठीक हो? टीवी पर हमले की खबर आती जा रही है। आई एम फाइन भूमि। तुमने पुलिस पर हमले की खबर सुनी? कुछ देर बाद उसी हमले में मारे गए दर्जनों गुंडों की ब्रेकिंग न्यूज भी उसी चैनल पर सुनोगी तुम। जल्दी आता हूँ। अपना ख्याल रखना। दिल्ली आ गया। कमान कमान, जल्दी जल्दी करो, जल्दी। हाय पापा। यहाँ जस्ट रीच्ड। सना, ये ठीक है? ये साउथ वालों का सम्मान ही कुछ और है यार। सबके सब वर्जिन मजीतो है रे। चल तो फिर पी के आते हैं, नहीं तो छू के आते हैं। इस बार तो हम ही जीतेंगे। ओए, सॉरी, देखा नहीं। ए! पाजी! कोच! हाँ? क्या हुआ तुम्हें? क्यों चिल्ला रही हो? उसने यहाँ, वहां पर तुझे उसने टच किया? बदमाश लतखोर, बचे कौन? ओए बल्ले बल्ले, क्या? हाँ जी। क्या किया तूने उसे? मैंने क्या किया? कुछ तो नहीं। कुछ नहीं किया? मैडम जी, ये आपका घर नहीं है, रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर तो टचिंग वचिंग चलती रहती है। हराम साले। मैडम, ये क्या कर दिया? छोड़ो। क्या कह रहे हो तुम? छोड़ो। आजा बेटा, आजा, तू भी आजा, बजाती हूँ तेरी बैंड। ये तेरा कार नहीं है, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे ऐसा टच वचिंग तो होता रहता है ना? बोल रहा हूँ, छोड़ उसको। वार्निंग दे रहा है तू मेरे को? तू जानती नहीं हम कौन है? दिल्ली के लड़के हैं हम। तू दिल्ली का लड़का है तो हम हैदराबाद की लड़कियाँ हैं। क्या बिगाड़ेगा बे सुअर? तू दिल्ली का कुत्ता बस में, रेल में यही करता है क्या? नाम है मेरा ज्वाला, ज्वाला रेड्डी। फिर से तूने कभी ऐसी गलती की ना तो तोड़ दूंगी सबकी हड्डी। चल निकल दे। क्या डेंजर लड़की है यार। चलो निकलते हैं यहाँ से। ए कुलजीत, तू इधर क्या कर रहा है यार? ओ यार, इस एकेडमी में पोस्टिंग मिली, मैं पंजाब से यहाँ शिफ्ट हो गया। गुड न्यूज यार। ये मेरी टीम है। ए हाय गर्ल्स, गुड लक, यू हैव गॉट द बेस्ट कोच इन इंडिया। कम आ जाओ, अंदर चलते हैं। चलो कम ऑन गर्ल्स, गेट डाउन। मैम, मैंने एंट्री कर दी है, ये चाबियां ले जा रहा हूँ। कार्तिक, सब कुछ हो गया है, रूम में जाके फ्रेश हो जाओ। ठीक है? ठीक है। मुझे लगता है आंध्रा से आए हैं मैम। लग तो ऐसा ही रहा है। हेलो ज्वाला रेड्डी जी, वेलकम बैक। हाय कुलजीत, मीट मिस्टर कार्तिक, आंध्रा कोच। हेलो। मैं किसी के साथ हाथ नहीं मिलाती हूँ। आजकल आंध्रा कबड्डी भी खेल रहा है, ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? कई सालों से आंध्रा वाले देखे नहीं, इसलिए पूछ लिया। पर इस बार बहुत टफ देगा ये लोग। हेलो। हम हैदराबादी बिरयानी की तरह फेमस हैं। हाँ, तो हम कम है क्या? तो यहाँ क्या कर रही हो? जाके लंच करो ना। ओ गाइस, कूल कूल। हाँ भाई, ये रही तुम्हारी चाबी। हाँ, और ज्वाला, ये रही तुम्हारी। क्या है ये? हम लोगों को बी ब्लॉक दिया।
अरे 3 times नेशनल चैंपियन हूँ मैं। मेरे पापा एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मैंने स्पोर्ट कोटा का जॉब इन जैसों के लिए छोड़ दिया। ब्लॉक में क्या है ज्वाला? ब्लॉक में सुपीरियोरिटी है, कॉन्फिडेंस है। ए ब्लॉक देता है कि पापा को फोन करूं? अरे कुलजीत दे दे यार, कम ऑन गर्ल्स। अभी तो सिर्फ ब्लॉक ही दिया है, मैच में भी यही होने वाला है, क्योंकि कप तो हम ही जीतेंगे। हमने हार नहीं मानी है, बस ब्लॉक छोड़ा है, लेकिन कप नहीं छोड़ेंगे, वो तो हमारा है। सपने देखना तो अच्छी बात है, लेकिन दिन में सपने देखना नहीं। रॉन्ग लॉजिक। जब यहाँ दिन होता है तो अमेरिका में रात। टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, सपना इम्पोर्टेंट है। गुड लक, चलो। ए ब्लॉक तो कितना अच्छा है। ए ब्लॉक, यस। मैम, हाँ, आप उस कोच को जानती हैं? दरअसल वो मुझे अच्छे से जानता है। उन्होंने आपसे ऐसे क्यों बात की? वो ऐसे ही बात करती है। आप उन्हें कैसे जानती हो? अकेडमी में सब मेरे एटीट्यूड के दीवाने थे और मैं उसके गेम की दीवानी। लोग आपको यहाँ भी जानते हैं? मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ छोड़ कर उसकी प्रैक्टिसेस जा जाकर देखा करती थी। प्रैक्टिस देखते देखते मैं उसमें अपना फ्यूचर देखने लग गई थी। एक दिन मैंने उसे बात करने के लिए कुतुब मीनार के पास बुलाया था। दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से आधी रात हो गई। मेरा पूरा समय बर्बाद हो गया, लेकिन वो नहीं आया। अरे बाप रे बाप, उसमें इतना घमंड है कि वो आपसे मिलने तक भी नहीं आया। ऐसे लड़कों पर विश्वास नहीं करना चाहिए मैम। आज मैं जब दिल्ली पहुंची हूँ तो मेरी सारी यादें ताजा हो गई। अब उसे वो सब कुछ झेलना पड़ेगा जो उस दिन मैंने झेला था। भैया, तेलंगाना टीम का भरोसा मत करना। हाँ भैया, उससे जरा संभल के ही रहना। बाप रे। यहाँ पर दाल में घी नहीं डालते क्या? उन्होंने आज से पहले शायद इतना खाना अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं होगा। केला कैसे खाते हैं? छील कर। ओ, ये लोग तो ऐसे ही छिलके के साथ ही खा जाते होंगे ना? आम तो काट कर ही खाते होंगे ना? ये उसे भी पूरा ऐसे ही खा जाते होंगे। ए साउथ लोग, साइलेंस। ए छोकरी, क्या बोला तूने? साइलेंस। उसके पहले, हे साउथ लोग, तेरे को क्या लगता है साउथ के लोग कैसे होते हैं? वैसे ही, काले, मोटे और छोटे। अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। एक थप्पड़ दिया ना तो तेरा पापड़ बन जाएगा। कोच, साउथ का पावर मार के नहीं, सिटी मार के दिखाएंगे, और वो भी मैदान में।
चली दो, ना रोके रास्ता हमारा, दुनिया को समझा दो क्या लक्ष्य है हमारा, जीतेंगे हर हाल में है मन में ये इरादे, कर रहे हैं हमें पूरे वो जो करके आए हैं वादे, हारा है वो ही जो मन से अपने है हारा, जीता है वो ही जो मन से अपने है जीता, मैदान में ही रहना, यलगार ये तू लड़ना, दम है कितना ये तू दिखा, जो है सोचा करके दिखा, हौसला देख तेरा टूटे नहीं, पर तू आगे चला तू दाव ऐसा, विजय हो आज तेरी, कोई भी ना समझे दाव तेरा, दिखा रे आज तू जोश जज्बा साहस जुनू तेरा, वेल प्लेड गर्ल्स, इट्स ओके, सब सामान पैक करो और इसे भी पैक करो, पैकिंग पूरी करो, रूम में जाने के बाद भी ट्रेन पकड़ने के लिए लेट हो रहा है। पल्लवी स्टॉप इट। सॉरी कोच। आई एम सॉरी। वेल प्लेड, ऑनेस्टली मैं कोई दर्शक नहीं जो खेल को जीत हार की नजरों से देखूं, मैं कोच हूं, मैंने तुम्हारा खेल देखा, अगर उसके पैर में चोट नहीं लगी होती तो तुम ये गेम जीत जाते, और तो और इनफैक्ट जो टेक्निक और स्किल तुम्हें पता है वो मैं भी नहीं जानता, इसलिए हमारी टीम को तुम्हारी टीम पर गर्व है। एक और चीज है जो मैं नहीं जानता, तो मुझसे इतना गुस्सा क्यों? मैंने तुम्हें इतना कॉल किया था, पर तुमने फोन उठाया होता तो सब ठीक हो जाता, अगर उस दिन मैं नहीं गया होता तो मैं अपने पापा की तरह हमेशा के लिए अपनी मां को खो देता। आज भी तुम्हारी उतनी ही इज्जत करता हूं, लेकिन तुम मुझसे नफरत करने लगी हो। टीम ने सेमीफाइनल में यूपी को हरा दिया, रामपुर की लड़कियों ने दिखा दिया कि वो इस ट्रॉफी को जीतने का दम रखती हैं। बहू ने बहुत अच्छी खबर सुनाई। ट्वेंटी टू मिस कॉल्स। हेलो, कहां थे कार्तिक, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ऐसा नहीं है दीदी, दो दिन से मैच में थोड़ा बिजी हूँ। जानती हूँ, तुम्हारी टीम जरूर जीतेगी। तुम अपने जीजाजी का बर्थडे भूल गए क्या? सब लड़कियाँ हैं ना, उनके घर वालों ने मेरे भरोसे भेजा है उनको, उन्हें छोड़ के कैसे आ सकता हूँ दीदी? बस तुम्हें ही उनकी परवाह है, मुझे नहीं, वो मेरी भी बहने हैं, उन्हें साथ लेकर आओ। मैंने सोचा कप जीतने के बाद उन्हें तुम्हारे घर लेके आऊंगा। कार्तिक, खुशियाँ मनाने के लिए जीतने का इंतजार क्यों करना? ओके, उन्हें लेकर आता हूँ। ओके बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे जीजाजी, थैंक यू काटी, हैप्पी बर्थडे टू यू जीजाजी,
हैप्पी बर्थडे टू यू, लॉन्ग लिव इंडियन पुलिस। अरे 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 क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अरे बस थोड़ा लगाने दीजिए, थोड़ा सा। अरे रुकिए तो कार्तिक, अरे बात 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 हो गया कार्तिक। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे क्या कर रहे हो? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे अरे अब ले, अरे ये क्या कर रहे हो? हैरी सर को तो देखो, जल्दी करो जल्दी करो, भूख लग रही है। जीजा जी कमिंग। अपने हाथों से गर्मा गर्म बनाया है, लो खाओ खाओ। अरे ये क्या है? रोटी है क्या? पापड़ लग रही है। सॉरी थोड़ी सी जल गई है। मुझे नहीं चाहिए। ए, अच्छी लगेगी, खाओ। अरे नहीं चाहिए। ओके एज यू विश, ये टेस्ट करो जरा। क्या बात है दीदी, सर खाना बनाते हैं? मैं बस खाती हूँ, बनाते तो यही है। डिपार्टमेंट के टेंशन को खत्म करने के लिए कुकिंग अच्छा तरीका है। हमने आपके बारे में टीवी न्यूज़पेपर में बहुत पढ़ा है। हमें लगा था आप बहुत सीरियस पुलिस वाले होंगे, लेकिन आप तो असल में बहुत ही स्वीट पर्सन हो। आप दोनों साले जीजा की तरह बिल्कुल नहीं लगते। अच्छा? एकदम दोस्त की तरह लगते हो। वाह क्या बात है। जीजा जी मुझे थोड़ा तोहफा तो दो। सॉरी यार खत्म हो गया, वन सेकंड। थोड़ा जल्दी करो कोच, थोड़ा म्यूजिक बजाए क्या? हाँ ऑन कर लो। कार्तिक, आवाज आवाज। ओके कौन है तुम लोग? दीदी जीजा जी अकेले हैं, मैं हेल्प। नहीं तुम बैठो, मैं जाकर हेल्प करती हूँ। सबको दीदी, सब लोग जाओ यहाँ से, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो चलो, 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 चलो।
इसे जिंदा मत छोड़ना, शूट करो कार्तिक, मारो उसे, मैं तुमसे कह रहा हूं मारो। कार्तिक बस छोटी सी चोट है, मैं ठीक हूं। लड़कियां डर गई है, तुम पहले इन्हें ले जाओ। नहीं जीजा जी, हॉस्पिटल चलिए। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तुम्हारे गेम पर प्रभाव पड़ेगा, प्लीज जाओ कार्तिक। स्नेहा जगी हो तुम? हाँ उठ गई भैया। जल्दी आओ सब लोग। इंदु, पल्लवी, फातिमा, रेवती, महेश्वरी, उठो सब लोग। अभी तक तो कोई नहीं आया है, हम पहले आ गए क्या? जीतना है तो सबसे पहले आना पड़ेगा, फाइनल के लिए बस 2 दिन बाकी हैं। ओके कोच। कम ऑन, जल्दी से वार्म अप करो, कम ऑन क्विक। ओके यस कोच। यस सर। आई विल बी बैक इन अ मिनट। ओके प्रैक्टिस करते रहो। ओके कोच। हेलो, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, कौन हो तुम? तेरी मौत। ए, कौन है? बोल रहा हूँ ना, तेरी मौत, समझा? रॉन्ग नंबर डायल किया है। ए शाने, सब पता है तेरे बारे में। चल फोन रख, मुझे अपने कबड्डी प्लेयर्स को ढूंढना है। और नहीं मिलेगी, तेरी पूरी कबड्डी टीम को मैंने किडनैप किया है। किडनैप? तूने क्यों किडनैप किया उन्हें? उनकी क्या गलती है? उनकी कोई गलती नहीं है, सब तेरी गलती है। तूने मेरे भाई को बड़ी बेरहमी से जान से मार दिया। अगर तू अपने जीजा को भी मारेगा तो मैं लड़कियों को जाने दूंगा। ए, तू ये क्या बोल रहा है? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? करना पड़ेगा, नहीं तो भूल जा तू इन लड़कियों को। अगर फाइनल गेम खेलना चाहता है तो तुझे जीजा जी का गेम बजाना है। अगर तूने ये बात अपने जीजा जी या दिल्ली पुलिस को बताई तो इन लड़कियों के टुकड़े करके कुतुब मीनार, गोल्डन टेंपल, इंडिया गेट और बाकी शहरों में इनकी लाशें फेंकवा दूंगा। एंड योर काउंटडाउन बिगिंस नाउ। 1, 2, 3। Thank you.
सबको हमारे गांव का नाम रोशन करना है। मैं एक भाई के नाते तुमसे ऐसा बोल रहा हूं, मैं सबको सेफली घर लाऊंगा। कबड्डी 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 कबड्डी, डरना मत, मैंने रखा। ढूंढना मत, दिखूंगा नहीं। उसे मारना है तो हथियार तो चाहिए ना। मेरे भाई को मारते वक्त गन चलाने का एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा। इस बार उससे अच्छा गन खरीद के दिया है तुझे। तेरा जीजा 9mm का यूज करता है, ये 7.6mm है, मेड इन मेक्सिको। ट्रिगर दबाते देर नहीं, उधर उसकी छाती चीरते हुए गोली अंदर घुस जाएगी और एक बड़ा सा होल बना देगी। तू है कौन? क्यों टॉर्चर कर रहा है मुझे? सुनने के लिए नहीं, बोलने के लिए किया फोन। अब बस ये सोचने में दिमाग लगा कि तू अपने जीजा को कैसे मारेगा। तू अपने जीजा को जान से मारेगा, अब बस यही तेरी लाइफ का मकसद होना चाहिए। मुझे तुझे मारने के लिए या तेरे जीजा को इस दुनिया से टपकाने के लिए सिर्फ एक गोली चाहिए, लेकिन अब वो गोली तू चलाएगा। तूने मेरे भाई को मारा, इस बात से बहुत दुखी हूं मैं। अब मैं यही दुख तुझे और तेरी फैमिली को देना चाहता हूं। लड़कियां मासूम हैं। अपने जीजा जी को मार दे, मैं लड़कियों को जिंदा छोड़ दूंगा। जानता है अभी वो कहां है? और नंबर लिख ले, 8341058926। लिखा क्या? तेरा जीजा आईपीएस है। अगर तूने पुलिस डिपार्टमेंट या किसी और इंटेलिजेंस एजेंसी से मदद मांगी तो, या किसी भी तरह की कोई भी होशियारी की, तो तुझे सारी की सारी लड़कियां मरी हुई मिलेंगी। 12 मासूम बच्चों की मौत। तेरे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। उड़ा उसके अंदर अपने जीजा को। अरे तुम्हारे पास ये गन कहां से आई? क्या हुआ तुम्हें? What the hell? कौन है वो कमीना? रुको, पापा को मैं फोन लगाती हूँ। नहीं नहीं, अगर ऐसा किया तो वो उन सारी लड़कियों को मार देगा। वो 12 लड़कियां पूरे गांव का भविष्य है। उनकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कार्तिक, हम भले ही अलग राज्य से हैं, पर हमारी भाषा एक ही है। हमारी टीम्स अलग अलग हैं, पर हमारी स्पिरिट एक ही है। हम सबके सब एक ही जैसे हैं। अगर उससे लड़ना है तो हमें साथ मिलकर लड़ना होगा, तभी जीतेंगे। और ये कभी तभी जीतेंगे। तुम क्यों रिस्क ले रही हो? तुम्हें क्या लगता है कार्तिक, मैं ये रिस्क बस एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते ले रही हूँ? अब ये पर्सनल मैटर हो गया। वो तुम्हारे रूम में आकर एक गन रख गया, मतलब वो तुम पर नजर रख रहा है। तुम बताओ क्या करें? ये बहुत ही बुरी खबर है। वो कई सारे हैं, उन्होंने सारे सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिए और सारी लड़कियों को किडनैप करके ले गए। ऐसा लगता है एकेडमी मैं नहीं वो कंट्रोल कर रहे हैं। वो लड़कियां यहां कंपटीशन में हिस्सा लेने आई थी। अगर उनके गायब होने की खबर फैल गई तो हंगामा हो जाएगा, ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा। यहां के लोग अभी तक निर्भया केस को भूले नहीं हैं, अभी तक नहीं भूले हैं। प्लीज बचा लो उन्हें, चाहे खुद को मारना पड़े या जीजा जी को मारना पड़े, वो फाइनल मैच जरूर खेलेंगी। सर, तब तक ये बात किसी भी तरह से बाहर नहीं जानी चाहिए।
ओके थैंक यू सो मच। मैं अब ठीक हूँ। सर ये अटैक किसने किया? क्या वो आतंकवादी थे? नहीं आतंकवादी नहीं थे, माखन सिंह का भाई त्रिलोक सिंह ने मुझ पर हमला किया। दिस इज अ सेकंड अटेम्प्ट ऑन यू, व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप सर? केस इज स्टिल इन प्रोग्रेस, वी विल लेट यू नो सून। ये माखन सिंह कौन है? इसके और जीजाजी के बीच क्या हुआ था पता लगाना पड़ेगा। मेरा एक रिपोर्टर दोस्त है CNN में, राजीव, मैं उसे कॉल करती हूँ। नो नो, कॉल करना सेफ नहीं है, जाकर मिलते हैं। ये क्या हो गया? वो मेरी फेवरेट टीम थी। माखन सिंह और IPS अरविंद में क्या संबंध है? इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। माखन सिंह, मैंने इसका नाम तो कहीं सुना है। जंतर मंतर पुलिस स्टेशन के एक इंस्पेक्टर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। डिपार्टमेंट को पता चले बिना कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आई विल डेफिनेटली नीड सम टाइम। टाइम ही तो नहीं है, फोन टैप हो सकता है। उसे पर्सनली मिलने के लिए आई विल नीड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। जस्ट अ मिनट। ओके। हेलो कार्तिक बाबू, सीताराम बोल रहा हूँ। आपके लिए एक सरप्राइज है। फाइनल मैच देखने के लिए हम सब दिल्ली आ गए हैं। हम रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं इस वक्त। क्या हुआ कार्तिक? पेरेंट्स दिल्ली आ गए। ओह माय गॉड, ये मुसीबत भी अभी होनी थी। अब आप बताइए हमें कहाँ आना है। रुकिए मैं खुद आता हूँ। राजीव तुम सब संभाल लोगे? मैं उनके पेरेंट्स के पास जाता हूँ। हाँ मैं संभाल लूँगा, तुम टेंशन मत। थैंक यू। अरे कोच सर, कार्तिक आ गए। कैसे हो? बहुत बढ़िया बाबू। बच्चियाँ कैसी हैं सर? वो ठीक हैं। फाइनल मैच होने ही वाला है इसलिए थोड़ी टेंशन में है। ये है ज्वाला रेड्डी, कबड्डी कोच। नमस्ते। तो ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? सुनो तुम्हारी टीम तो सेमीफाइनल हार गई ना, तो अभी भी दिल्ली में क्या कर रही हो तुम? टिकट खरीदने के पैसे नहीं है क्या? हाँ जी, क्यों मारा मुझे? क्यों नहीं देखा मेरे को? क्या नहीं देखा इसलिए मारा? देखना जरूरी है क्या? अरे इतनी खूबसूरत लड़की रोड पे खड़ी है, इग्नोर कैसे कर सकता है? अरे यार पागल है यार लड़की, चलो। इसने क्यों मारा उसे? क्योंकि उसने इसे देखा नहीं। लेकिन क्यों? हमारे गांव में तो इससे एकदम उल्टा ही होता है ना। ये दिल्ली है, यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, मुझे अपनी बेटी से मिलना है, चलो जल्दी। ये क्या, स्टेडियम ले जाने के बजाय आप हमें यहाँ होटल में क्यों लेकर आए हो? वहाँ सिर्फ कोच और प्लेयर्स जा सकते हैं, इसलिए यहाँ लेकर आया। बच्चियों से मिलकर हम यहाँ वापस आ जाते हैं। उनसे मिलकर तुरंत वापस आते, आप उनसे बातचीत करते। ये देखो उनके लिए इतनी सारी खाने की चीजें लाए हो, उनको खिलाओगे भी है ना? उनसे हालचाल पूछोगे, उनका रूटीन पूछोगे। इतना सब करने के बाद उनका फोकस हटेगा नहीं तो और क्या होगा, सारा गेम बिगड़ जाएगा। इसलिए किसी और दिन मिल लेना। इतनी दूर से आने के बाद बच्चों से कैसे नहीं मिल सकते? पहली बार आप लोग दिल्ली आए हो तो जाकर इंडिया गेट घूमो। बेटियों से तो कल मिल सकते हैं। देखिए आप लोगों के लिए गाइड्स का अरेंजमेंट किया है। आइए आइए, आप लोगों का स्वागत। हाय, कार्तिक के नाम पर रूम्स बुक किए थे, उनकी कीज चाहिए। ओके कार्तिक। राजीव का मैसेज आया है, बोल रहा है कि वो पुलिस वाला छुट्टी पर है, शाम तक मिल पाएगा। ठीक कार्तिक, तब तक सब लोग रूम में। अरे आई एम सो सॉरी। ए इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रही है? कोई बात नहीं, तेरे पास कपड़े होंगे तो एक जोड़ा दे दे, है ना? लेना। आप ये अच्छा है ना? ये तो रात को पहनने वाले कपड़े हैं। अच्छा तू रात में कपड़े पहन के सोती है? हाँ? बोलो बेटी। सासू माँ आप फौरन दिल्ली आ जाइए। दिल्ली? मैं नहीं आ सकती बेटी, मैं टीवी पर ही मैच देख लूंगी। मैं मैच देखने के लिए नहीं बुला रही हूँ आपको, बात कुछ और ही है। यहाँ पर एक लड़की है जो कार्तिक कार्तिक करके उसके पीछे पड़ी हुई है। ये बताओ तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है? वैसे वो दिखती कैसी है? आपको जानना है? जिस स्वर्ग में अप्सराएं होती ना सुंदर सी, वो बिल्कुल वैसी ही दिखती है। कितनी भी खूबसूरत हो तुम्हारे आगे तो कुछ नहीं होगी। बहुत खूबसूरत है, मेरी नजर तो उसके ऊपर से हट ही नहीं रही है। कार्तिक तो एकदम दीवाना हो गया होगा। अच्छा नाम क्या है उस लड़की का? ज्वाला रेड्डी। तुम उसकी चिंता छोड़ो ना, अब ये गाना सुनो। आ,
बेबी आजा बेबी दिल की बात कर लो, आंखें चार कर लो हमसे प्यार कर लो। आजा बेबी आजा बेबी आजा बेबी ओ रानी आजा बेबी हाँ आजा बेबी दिल की बात कर लो, आंखें चार कर लो हमसे प्यार कर लो। मैं हूँ रेडी आओ प्यार कर लो, बाहों में तुम भर लो बाहों में तुम भर लो ख्वाहिश पूरी कर लो। मैं हूँ रेडी आओ प्यार कर लो, बाहों में तुम भर लो बाहों में तुम भर लो ख्वाहिश पूरी कर लो। जब से चखा तेरा नशा दिल बहका ये जाए मुझे होश न आए। दीवाने तू अनजाने तू चख ले प्यार का मजा, खुल के प्यार कर लो दिल बेकरार कर लो। आजा बेबी सुंदर हो तुम बड़ी, प्यारी हो तुम बड़ी, प्यारी हो तुम बड़ी मासूम तुम बड़ी। मैं हूँ रेडी आओ प्यार कर लो, बाहों में तुम भर लो बाहों में तुम भर लो ख्वाहिश पूरी कर लो। लगा एक नंबर बोले तो चिका। चुमलो मैं तुझको दिल मेरा तू ये चाहे, सीने से मुझे लगा ले अपना मुझे बना ले। मैं नहीं तुझे घबरों का आजा अच्छा है मौका इश्क लड़ा ले, राजा दुनिया की ना कर परवाह। आजा बेबी रख ले मुझे दिल में हर मजगे दिल में हलचल मची दिल में। मैं हूँ रेडी आओ प्यार कर लो, बाहों में तुम भर लो बाहों में तुम भर लो ख्वाहिश पूरी। राजीव हाँ। हम यहाँ पहुँच गए हैं, बताओ आना कहाँ है? ऊपर आ जाओ। कौन से फ्लोर पे आना है? राजीव कबड्डी ये क्या कर दिया तूने? चली गई ना तेरे वजह से उस मासूम जान। ए चुप, क्या बोला था मैंने? तुझे बस अपने जीजा को मारने के बारे में सोचना था। ये पुलिस मीडिया सब मेरे हाथ में है, तू गूगल से बच सकता है लेकिन मेरी नजर से नहीं बच सकता। तू ऑलरेडी 6 घंटे वेस्ट कर चुका है, अब तेरे पास बस 42 घंटे बचे हैं। जल्दी कर। मैंने तेरे भाई को मारा, गलती मेरी है, सजा मुझे मिलनी चाहिए। लड़कियों को छोड़ दे। भेजे में बात ही नहीं घुसती। हेलो Thank you.
ओए मार क्यों रहा है? राजीव की क्या गलती थी, तूने क्यों मारा उसे? मजबूरी थी, कोई रास्ता नहीं था। ओए तू मेरे बारे में छोड़, माखन सिंह के लिए चाहे एकेडमी का चेयरमैन हो या फिर तेरी ये ज्वाला, सब उसके कंट्रोल में होना चाहिए। उसका काम करने का यही तरीका है। बस मैं ही नहीं, कई सारे लोग तुझे दिन रात फॉलो कर रहे हैं। मैंने तुझे दोस्त समझा था, इसीलिए उसने मुझे चुना। ए, मुझे लड़कियों की चिंता है। पता माखन ने उन्हें कहां रखा है? पता उसकी मेरे जीजा जी से क्या दुश्मनी है? बता। गाजियाबाद, वहां सिर्फ और सिर्फ माखन सिंह की चलती है। एक समय था जब पूरे 133 किलोमीटर में फैले गाजियाबाद में उसकी हुकूमत चलती थी। तेरे जीजे का वहां ट्रांसफर हुआ था, वो ईमानदार पुलिस वाला था। आईपीएस अरविंद को उस जिले का एसपी बनाकर अपॉइंट कर दिया गया। सर मैं मुकुंद पांडे कोटवाली से। सर इंद्रापुर सीआई गज्जर सिंह सर। रविंद्र नगर डीएसपी राजू यादव सर। तो सिहानी गेट, रामप्रथ क्रॉसिंग, रिपब्लिक, शहीदाबाद, यहाँ के ऑफिसर्स कहाँ है? वो सब माखन सिंह के आदमी है सर। हु इज माखन सिंह? क्यों बुलाया मेरे को? सिविल सर्विसेज पढ़ के अंधा हो गया है तू? पढ़ाई करके पावर नहीं मिलती, मार के मिलती है। अगर तूने मेरे काम में उंगली रखी तो मैं तेरी जिंदगी में पैर रखूंगा, वो भी चप्पल पहन के। अगर फिर मेरी जरूरत पड़ी तो बुलाना मत, खुद आना। पहली ही मीटिंग में उसे माखन सिंह के पावर का अंदाजा लग गया था, लेकिन उसे अपनी पावर भी दिखानी थी। हम अपने ऑफिस की सफाई करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, डिपार्टमेंट में जो गंदगी है वो कौन साफ करेगा? वी हैव टू क्लीन अवर डिपार्टमेंट, और वो हम खुद ही करेंगे। इसका जवाब देना पड़ेगा, और इससे जितना चाहे ठोको। उसने गाजियाबाद को सिखाया कि एक पुलिस वाला भी दूसरे पुलिस वाले का एनकाउंटर कर सकता है। अबे पागल हो तुम्हारी बात पे। हाँ बोल भैया। वो आईपीएस ऑफिसर आपके लिए आ रहा है, निकलिए वहां से। मैं सरेंडर कर दूंगा, मुझे कोर्ट में ले जाइए। लोगों ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। अपनी मौत के डर से वो जेल चला गया। बस इसी बात का बदला लेने के लिए माखन सिंह के भाई त्रिलोक सिंह ने तेरे जीजा पे हमला किया था, और तूने उसे जान से मार दिया। मतलब वो जेल से ये सब कर रहा है? जेल में रहकर इतना कुछ कर सकता है? तुम खुद सोच लो, अगर बाहर आ गया तो क्या करेगा वो? दोस्त हो इसलिए बता रहा हूं, तेरे पास एक ही ऑप्शन है, अपने जीजा की जान लेकर उन लड़कियों की जान बचा ले। अगर 24 घंटे में लड़कियां मिल गई तभी तू जिंदा रहेगा। पता कहां है वो? वो बेवकूफ नहीं है जो तेरी पहुंच में रहेगा। लड़कियों को एक ट्रक में भरकर घुमाया जा रहा है, यहीं दिल्ली में ट्रक घूम रहा है।
शांत रहो। साइड में लगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? यही है तुम्हारा शौचालय, जाओ। मूड खराब कर दिया लड़कियों ने। ए बीड़ी पिला रे। हजारों लड़कियां देखी है मैंने। चल वेट ज़ूम। कार्तिक वहां क्या कर रहा है? भूमि क्या हुआ? कार्तिक वहां क्यों है? जरा उसे कॉल करके पूछो। कॉल कट कर दिया। अगर उन्हें ट्रक को घुमाना है तो रेड फोर्ट, राजगढ़, करोल बाग इन एरिया में नहीं घुमाएंगे, क्योंकि ये वीवीआईपी एरिया है, सो अलाउड नहीं है। अगर कुलजीत की बात सही है तो ये ट्रक वजीरपुर, चंद्रावल, धर्मपुर रोड या जहांगीरपुरी इन्हीं में से किसी एक एरिया में घूम रहा होगा। रवानिया, तुम कोई हेल्प कर सकती हो? मैम, मैं उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज निकाल सकती हूँ गूगल सैटेलाइट व्यू द्वारा। आई ट्राई समथिंग मैम। ओके, तो जल्दी करो, जल्दी। कार्तिक, आप लोग अचानक यहाँ कैसे? कैसे हो जीजा जी? आई एम फाइन। कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? मैच का टेंशन है। अच्छा, ये ज्वाला है, ये कोच है और ये इसके प्लेयर्स, मेरे जीजा जी और दीदी। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तुम्हारे प्लेयर्स कहाँ हैं? अब वो ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम कल होने वाले मैच के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। चाय वगैरह कुछ लेंगे? नो थैंक्स। इसने फोन नहीं उठाया तो भूमि टेंशन में आ गई, इसलिए इसे मिलने चले आए। सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। तुम्हारे प्लेयर्स के लिए एनर्जी ड्रिंक लाई। थैंक यू। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। गुड लक फॉर योर फाइनल्स। थैंक्स जीजा जी। तो कल मैच में मिलेंगे। उस वीडियो में यही लड़की थी ना? हाँ, वो कुछ छुपा रहे हैं। डोंट वरी, आई विल फाइंड आउट। यारे, तेरा जीजा तुझसे मिलने आया था तो तूने उसे मारा क्यों नहीं? हाँ, वो तेरे पास था फिर भी तूने उसे नहीं मारा, मतलब तू उससे बहुत प्यार करता है। तेरे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है, मैं कल बेल पे रिहा हो रहा हूँ। मेरे निकलने के पहले उसे मार देना, नहीं तो निकलने के बाद मैं सारी लड़कियों को जान से मार दूंगा।
लड़कियां किस हालत में हैं, उसका एक वीडियो तुझको भेजा है। अब उनकी किस्मत तेरे हाथ में है। रिलैक्स कार्तिक, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा उन्हें। भाई, माखन भाई का फोन, उन लोगों को वीडियो भेजने के लिए बोला है। लाइन में खड़े हो जाओ। आयुषु, मैं एक वीडियो भेज रही हूँ, उसे प्रोजेक्टर पर प्ले करो। यस मैम। कार्तिक, जरा गौर से देखो उन्हें, वो कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। फिर से प्ले करो। समझ गया, ये एक फोन नंबर है। 7341058926। टाइगर सिंह, उत्तर प्रदेश मैम। ये उस ट्रक ड्राइवर का नंबर होगा, ट्रैक हो पाएगा? जी हाँ सर। Then do it. They're moving. मंगल पांडे मार्ग, आजाद पार्क के पास। तुम जाओ, मैं रास्ता बताती रहूंगी। ए छोटू, गाड़ी रोक, एफसी आंटी का ढाबा आ गया। सुन बेटा, तो एक राउंड मार के आ, मैं इधर एक राउंड मार के आता हूँ। चल, समझ गया ना? चल निकल। अरे ये ब्यूटी क्यूटी मस्त अदा का जलवा देखो बाबू, आँखों में मेरे है जादू, बातों में मेरी है जादू, दिल दीवानों का मैं कर दूँ बेकाबू, पहली नजर में आशिकों का दिल में चुरा लूं, चैन चुरा लूं। अरे जो भी मुझको देख ले आशिक उसे मैं बना दूं, अरे मन चले जवा छोकरों को बॉयफ्रेंड मैं बना लूं, शौक जवानी का जादू दीवारों पे चला दूं, प्यार के सपने दिखा के चांद दिल का चुरा लूं, एटीएम पेटीएम को लूट ले रूप का मेरे जलवा, मैं लाखों दिलों की रानी है मस्त मेरी जवानी, ये देखो मेरी ब्यूटी, मैं लड़की बड़ी हूँ क्यूटी, मैं लाखों दिलों की रानी है मस्त मेरी जवानी, ये ज्वाला। यहाँ ट्रक नहीं है, अच्छे से ढूंढो, वही होगा। मेरी आंखों में है शराब पी के मजा तू यार ले ले ले, उड़ा 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 कैश लुटा के ले मजा तू दीवाने, चार दिन की है ये जवानी खुल के मौज बना ले तू, मेरी बाहों की जन्नत में आज की शाम बिता ले तू, मैं शोला हर दिल में आग लगा तू, बेबी साला बिजी। मैं लाखों दिलों की रानी है मस्त मेरी जवानी, ये देखो मेरी ब्यूटी, लड़की बड़ी हूँ क्यूटी।
फोन चार्ज पे लगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? माखन भाई आप चिंता मत करो, मैं है ना इधर। जीपीआरएस देख के तेरे पीछे आ रहे हैं। ओके भाई, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो, कौन है बे? सोना रे रूप है तेरा, सोना रे। ए आजा रे बाहों में तू आजा रे। Hey, wake up! What? Hey! यार ए, तेरी वजह से वो न्यूज रिपोर्टर राजीव मर गया, फिर भी तुझे दुख नहीं हुआ? आज तेरी वजह से और की जान चली गई, फिर भी दर्द नहीं हुआ। आज मैं तुझे बताऊंगा कि दर्द क्या होता है। तेरी टीम में एक प्लेयर है, उसका नाम है स्नेहा। बहुत अच्छी है वो, खेलती तो और भी अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बेचारी अब फाइनल खेल पाएगी। सोच अब उसके बिना क्या करेगा तू। मैं जेल से निकल गया हूँ, अब स्नेहा को मिलने जा रहा हूँ। तू अभी जहाँ है वहाँ से 7 किलोमीटर दूर एक हाईवे है, वहां आ जा और आकर ले जा उस लड़की की लाश। कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये है रियल गेम, मैं सबको लाल गांव लेकर जा रहा हूँ। आजा, दम है तो आजा। वो लड़की जिंदा बच गई, खुश तो बहुत होगा तू। लेकिन ज्यादा देर तक खुश नहीं रहेगा। जिन लोगों से ये सब छुपा रहा था वो बस आ ही रहे होंगे। आसपास देख, आ गए होंगे। देखना पीछे मुड़ के। बाकी की बच्चियां कहां है?
हमें तब ये बात समझ जानी चाहिए थी जब तुम हमें जबरदस्ती उस होटल में रोक रहे थे। तुमने कहा था सभी लड़कियां 20 की उम्र में मर जाती हैं, लेकिन हमें क्या पता था। हमने सोचा उन्हें तुम्हारे साथ जाने देंगे तो उनका भविष्य बन जाएगा, लेकिन हमें क्या पता था ये सब होगा। जिसने उन्हें किडनैप किया है वो नहीं तुम जिम्मेदार हो हमारी हालत के लिए। गांव के प्रधान ने हमें चेतावनी दी थी, उन्होंने कहा कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है, अपनी बच्चियों को यहाँ भेजना खतरे से खाली नहीं है, पर हमने उनकी बात नहीं सुनी, नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इसे माफ नहीं करेंगे, क्यों करें माफ इसे। हमारी लड़कियां गांव में किचन संभाल के घर संभाल के बहुत खुश थीं, इसने उन्हें झूठा सपना दिखाया, इसलिए ये माफी के लायक नहीं है। अपने गांव की लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा ये कहा था ना इसने, इसलिए इसे माफ नहीं करना चाहिए। अगर हमें पता चल जाता कि हमारी बेटियां गुम गई हैं, तो सबके सब हार्ट अटैक से मर जाते। उन्हें बचाने के लिए इसने अपनी जान की परवाह नहीं की, इसलिए इसे माफ नहीं करना चाहिए। तुम्हें हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हमें मांगनी चाहिए। उठो, हमारे गांव में एक शराबी हुआ करता था, वो 30 साल का हो गया था, लेकिन उसकी कहीं भी शादी नहीं हो पा रही थी। उसकी बहन को बुरा लगा तो उसने अपनी बेटी से ही उसकी शादी करवा दी। शादी के 1 साल बाद उसके घर पे पता है एक बेटी पैदा हुई, इसलिए कई बार उसने अपनी बेटी को मारने की कोशिश की, क्योंकि वो बेटी नहीं चाहता था। यहां तक कि उसने अपनी बीवी का मंगलसूत्र चुराकर उसे बेच आया और फिर उन पैसों की वो दारू पी गया। कुछ महीने बाद जब बेटी बीमार हुई तो उसे हॉस्पिटल ले जाते समय उसने सोचा कि उसे नदी में फेंक देता हूं, लेकिन अपनी बेटी के चेहरे पर मासूम मुस्कान देखकर वो तरस खा गया। फिर बेटी बड़ी होकर स्कूल जाने लगी और अपनी पूरी क्लास में वो फर्स्ट आई। तब हेडमास्टर ने उससे पूछा कि बेटी बोल तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा कि मेरे पापा को नौकरी दिलवा दो। तब हेडमास्टर साहब ने उसके पापा को बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवा दी। उसके कुछ महीनों बाद ही जिला प्रतियोगिता में वो लड़की फर्स्ट आई। अपनी बेटी की वजह से उसके पापा का नाम पेपर में छपा, बेटी की वजह से बाप को नौकरी मिली, उसको सम्मान मिला, समाज के बीच उसे इज्जत मिली, जबकि वो बाप उसे बचपन से मारना चाहता था, लेकिन वो कभी उसे मार नहीं पाया। जब उसका बाप होकर मैं उसे नहीं मार पाया तो वो कैसे मार देगा, वो नहीं मार सकता उसे, उसे कोई नहीं मार सकता है, वो नहीं मर सकती है। तुम्हारी इस बहन की चिंता मत करो, इसे हम बचा लेंगे, तुम बाकी की बहनों को बचाओ। तुमने वादा किया था ना कि तुम्हारी बहनों पे कोई आंच नहीं आएगी, तो जाओ उन्हें बचाओ। तेरी पूरी टीम को मैंने किडनैप कर लिया है, कल तूने मेरे भाई को जान से मार दिया, अगर तू अपने जीजा को भी मारेगा तो मैं लड़कियों को जाने दूंगा। अगर तूने ये बात अपने जीजा को या दिल्ली पुलिस को बताई तो इन लड़कियों के टुकड़े टुकड़े करके इंडिया गेट, कुतुब मीनार, गोल्डन टेम्पल और भी दूसरे शहर। इसलिए कार्तिक ने कुछ नहीं बताया था, भूमि तुम्हें रोना नहीं चाहिए बल्कि उनकी उनकी जीत के बाद खुश होना चाहिए। देखो तुम्हें अभी यहाँ नहीं स्टेडियम में होना चाहिए। देखो माखन ने जो भी किया है उसकी वजह मैं हूँ, चाहे इसमें मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, सारी लड़कियां स्टेडियम में सही सलामत पहुंचेंगी। माखन सिंह आवाज नीचे, तुझे अगर मारना ही है तो मुझे मार।
लेकिन लड़कियों को छोड़ दे। ए डीएसपी साहब, क्यों छोड़ू उन्हें? गन तेरी थी लेकिन चलाया उसने। तू मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आया है, अब तेरा साला तुझे ढूंढते हुए यहाँ आएगा। यहां से पैदल जाओ। जीजा जी, तेरे जीजा ने मेरे पूरे साम्राज्य को उखाड़ के रख दिया। इसकी वजह से मुझे जेल की रोटियां खानी पड़ी, लेकिन अब मेरी वापसी हुई है। इन लड़कियों के साथ मैं अपना धंधा शुरू करूंगा। तेरे इन बच्चे लोगों को 5 मिनट में अफगानिस्तान भेज दूंगा। तेरा जीजा 5 मिनट में मर जाएगा। 5 मिनट है मेरे पास ये खेल खत्म करने के लिए, तेरे पास भी उतना ही टाइम है। उन्हें ढूंढ लिया तो ले जा सकता है यहाँ से। जीजा या लड़कियां, डिसाइड कर ले कौन चाहिए तुझे। कार्तिक, पुलिस के खून में बहुत ताकत होती है। जब तक एक एक बूंद नहीं बह जाती मुझे कुछ नहीं होगा। जाओ, पहले उन लड़कियों को बचाओ और अपना सपना पूरा करो। जाओ। पल्लवी, फातिमा, रेवती, महेश्वरी, and welcome to 46th National Women Kabaddi Championship 2021. Delhi ka ye Indira Gandhi National Stadium final match ke liye darshakon se khacha khach bhara hua hai. Andhra Pradesh ki kabaddi team pichle 2 saalon se qualify nahi kar pa rahi thi, lekin is baar wo final tak pahunch gaye hain. Final match bahut hi interesting hone wala hai. यहां बताओ,
अंदर जाओ और बस को गियर में डाल के स्टार्ट करके रखो, मैं आ रहा हूँ। हमें जल्दी से स्टेडियम पहुँचना है, जाओ जल्दी। जाओ जल्दी जाओ। की तैयारी हो चुकी है, पंजाब की टीम कोर्ट में उतर चुकी है। अगर 30 सेकंड में आंध्र प्रदेश की टीम यहां नहीं पहुंची, तो पंजाब की टीम को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। प्रदेश की टीम जिसे अब तक कोई जानता भी नहीं था, ये आज सबकी फेवरेट टीम बन गई है। पूरा देश इस मैच को देखने के लिए उत्साहित है। आंध्र प्रदेश वर्सेस पंजाब के इस मैच के लिए दोनों के बीच में टॉस होने जा रहा है। दोनों कप्तान बीच में आ गए हैं। टॉस जीतना भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। पंजाब की टीम ने ये टॉस जीत किया है और अब मैच शुरू होगा, पंजाब वर्सेस आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कोच जल्द ही अभी ग्राउंड पर आने वाले हैं। पंजाब की कैप्टन सामने वाली टीम पर धावा बोलने के लिए रेडी है। वो बाईं तरफ जाकर पॉइंट जुटाने की कोशिश कर रही है और इसके साथ ही पंजाब की टीम ने अपना खाता खोल लिया और इसी पॉइंट के साथ पंजाब की टीम में खुशी का माहौल और आंध्र प्रदेश की टीम चिंता में दिखाई दे रही है। आंध्र की तरफ से सबसे पहले इंदु आगे आई, देखते हैं क्या होता है। और इंदु ने बड़ी चालाकी से उन्हें चकमा देते हुए अपना खाता खोल लिया है। और अब खेल में और बढ़त बनाने के लिए पंजाब की तरफ से कोशिश अभी भी जारी है। और देखिए पंजाब को और 2 पॉइंट्स मिल गए, पंजाब 5, आंध्रा 1। आंध्र की तरफ से पल्लवी, आशा और इंदु अभी भी खेल में बने हुए हैं। और सबसे पहले आशा को भेजा गया है। आशा बड़ी ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, तो देखते हैं कि आशा क्या कमाल दिखाती है। क्या आशा आंध्र प्रदेश का नाम रोशन कर पाएगी या नहीं, अभी मालूम पड़ जाएगा। आशा बहुत ही अच्छे से टैकल करते हुए, और ये सामने वाली टीम ने आशा को पकड़कर फेंक दिया है और आशा सीधे कोर्ट के बाहर जाकर गिरी।
आंध्र की टीम के साथ साथ दर्शकों में भी निराशा छा गई है। ठीक हूं, पंजाब ठीक के इस बिहेवियर के लिए उन्हें येलो कार्ड दिया गया है और वार्निंग भी दी गई है कि वो गेम्स के रूल के खिलाफ ना खेलें। तुम्हारी सांस रुकनी नहीं चाहिए। उन मासूम लड़कियों को मारने की कोशिश करने वाले को तुम जिंदा मत छोड़ना। आज के दिन तेरे जीजा और तेरे खून के साथ फिर से मैं इस जमीन को रंगूंगा। कबड्डी मैदान में खेले तो खेल और बाहर खेले तो शिकार। गेम पूरी तरह से पंजाब की फेवर में जा चुका है। इस समय आंध्र की टीम को अपने कोच की बहुत जरूरत है। देखते हैं कि साइड चेंज करने के बाद कोई बदलाव होता है या नहीं। और ये गजब का मूव देखने को मिला आंध्र की टीम की ओर से। इसके साथ ही आंध्र की टीम इस गेम में वापसी कर रही है। आंध्र प्रदेश की टीम एक सोची समझी रणनीति के साथ इस गेम में आगे बढ़ रही है। गजब का टीम वर्क देखने को मिल रहा है आंध्र की टीम की ओर से। आंध्र की टीम के खिलाड़ी तैयार हैं पूरे जोश के साथ धावा बोलने के लिए पंजाब की खिलाड़ी के ऊपर। और ये था आंध्र की खिलाड़ी का जोशीला प्रदर्शन। दर्शकों में खुशी का माहौल। आंध्र प्रदेश की टीम एक सोची समझी रणनीति के साथ इस गेम में आगे बढ़ रही है। गजब का टीम वर्क देखने को मिल रहा है आंध्र प्रदेश की टीम की ओर से। और गेम का स्कोर अब हो चुका है 21-22। दोनों टीम्स की खिलाड़ी फिर से तैयार हो चुकी हैं। आंध्रा ने जबरदस्त कमबैक किया है। एक मिनट से कम का समय बचा है। पंजाब की कैप्टन रेड करने के लिए आगे बढ़ी है, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। पंजाब की कैप्टन ने आंध्रा के लगभग आधे खिलाड़ियों को एक ही बार में चकमा दे दिया। चंदू कौर ने अपनी टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन बढ़त पा ली है। 21-27 पंजाब की टीम बहुत ही आगे निकल चुकी है और उन्हें हराने के लिए आंध्र प्रदेश की टीम को पंजाब के खिलाड़ियों को ऑल आउट करना पड़ेगा। पंजाब की टीम बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, लेकिन आशा काफी नर्वस लग रही है। और ये क्या लगता है वो बेहोश हो गई। आशा लगता नहीं कि अब वो खेल पाएगी। उसकी जगह किसी और को आना होगा। देखते हैं कि उसे कौन रिप्लेस करता है। स्नेहा, जरूरी नहीं है कि हर मुश्किल परिस्थिति में मैं साथ देने के लिए वहां मौजूद रहूं। तो मैं खुद लड़ना होगा। कबड्डी हिम्मत का खेल है। दिखा दो अपनी हिम्मत। दिल्ली से रामपुर तक तुम्हारी जीत की गूंज पहुंचनी चाहिए। Thank you.
मुश्किल समय में स्नेहा आगे आई है। जीतने के लिए आंध्रा को 6 पॉइंट्स की जरूरत है, मतलब पंजाब को ऑल आउट करना ही पड़ेगा। और आंध्रा के कोच भी यहाँ आ चुके हैं। और ये देखिए, आंध्र के कोच भी अब पहुंच चुके हैं। टीम को इस वक्त उनके मॉरल सपोर्ट की बहुत जरूरत है। स्नेहा रेड करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। कबड्डी 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 के टाइम पर ही स्नेहा ने लाइन पर हाथ रखा। अब अंतिम फैसला थर्ड अंपायर के हाथ में है और देखते हैं थर्ड अंपायर क्या डिसीजन देते हैं। और थर्ड अंपायर ने आंध्र प्रदेश की फेवर में अपना डिसीजन दे दिया है। 46 वीमेन नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2021 आंध्र प्रदेश जीत चुका है। वेलकम द न्यू चैंपियन आंध्र प्रदेश फॉर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2021।